बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन एक्ट्रेस रही है, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में काफी राज किया है। इनमें से कुछ अभिनेत्रियां शादी करके सेटल भी हो गई है और इनके बच्चे अब काफी बड़े भी हो चुके हैं। सो दोस्तों, इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको 90 के दशक की 10 सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों के खूबसूरत बेटियों को दिखाने और उनसे मिलाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप देखना चाहते हैं अपने फेवरेट एक्ट्रेस के ब्यूटीफुल डॉटर्स को, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 की अगर हम बात करें तो वो है जूही चावला। दोस्तों, 90 के दशक में जूही चावला हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के जैसे फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और एक्टिंग से लाखों दर्शकों का दिल भी जीता है। वहीं बात करें इनकी बेटी के बारे में तो बता दें कि रियल लाइफ में इनकी एक ही बेटी है, जिनका नाम जाह्नवी मेहता है। इस समय जाह्नवी पढ़ाई कर रही है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये फिल्मों में भी अपने कदम रख सकती है। दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जूही चावला बताती है कि इनकी बेटी को एक्टिंग में काफ़ी दिलचस्पी रहता है। अपने पढ़ाई में भी एक सब्जेक्ट जाह्नवी ने सिनेमा का ही कोर्स चुना है। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में आपको ये कई सारे फिल्मों में भी दिख सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 की, तो वो है करिश्मा कपूर। दोस्तों, करिश्मा कपूर 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया करती थी। इन्होंने अजय देवगन, गोविंदा और सलमान खान के जैसे कई बड़े बॉलीवुड सितारों के साथ फिल्मों में काम कर चुकी है और खूब फिल्मी अवार्ड्स भी जीती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में तो आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की एक ही बेटी है, जिनका नाम समायरा कपूर है, जो अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और बेहद ही खूबसूरत दिखती है, भले ही वो चश्मे से। अगर यकीन नहीं है तो आप इनके बेटी को इन फोटो में साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, 2024 में रिसेंट समायरा को उम्र 19 साल हो रहा है और अभी ये अपनी पढ़ाई क्लियर कर रही है। वहीं अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन की पतोहू है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से अपनी शादी रचाई है। इन्होंने अपनी करियर में ढेर सारी फिल्मों में काम किया है और कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है। ऐश्वर्या राय की कुछ फिल्में हैं जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, हमारा दिल आपके पास है, कुछ ना कहो, धूम 2 और भी बहुत सारी फिल्में हैं। अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी की, तो रियल लाइफ में इनकी सिर्फ एक ही बेटी है, जिनका नाम आराध्या राय बच्चन है। आराध्या एक बहुत ही क्यूट सी नन्ही परी के जैसे दिखती है और वो बेहद ही खूबसूरत भी है, जो कि बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। और 2024 में इनकी उम्र 13 वर्ष की हो चुकी है। वहीं अगर 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो है श्रीदेवी। दोस्तों, श्रीदेवी 80 और 90 के दशक की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस के नामों में शामिल थी, जिन्होंने पर्दों पर 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अलावा ये तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी थी। भले ही इस समय श्रीदेवी इस दुनिया को अलविदा बोल चुकी है, लेकिन आज भी लोग इनके फिल्मों को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। बात करें अगर हम श्रीदेवी की बेटी की, तो इनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर है। जाह्नवी कपूर इस समय बॉलीवुड की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस में से एक है, जिन्होंने धड़क, गुड लक, जेरी, दोस्ताना 2, इंग्लिश मीडियम, बवाल, रूही और भी कई सारे फिल्मों में भी काम कर चुकी है और आगे और भी बहुत सारे फिल्मों में काम करती आएगी, ये मेरा सोच है। वहीं इनकी दूसरी और छोटी बेटी खुशी कपूर की भले ही अब तक फिल्मों में नज़र आई हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी भी कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अगर हम बात करें खुशी कपूर की फिल्मों की, तो वो है 2023 में आई हुई फिल्म द आर्किज, जिनमें उन्हें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ देखा गया है। और इनकी 2 फिल्म और है, जो कि पहला है द गढ़वाल राइफल्स और दूसरा स्पीकअप। वही दोस्तों, अगर हम 6वें नंबर की बात करें तो वो है महिमा चौधरी। दोस्तों, महिमा चौधरी 90 के दशक की बेहद ही पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस थी। इनकी फिल्म परदेश से इनको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी और इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद ही पसंद किया था। इसके अलावा भी इन्होंने और भी कई सारी फिल्मों में काम किया हुआ है। वहीं इनकी अगर बेटी के बारे में बात करें तो रियल लाइफ में इनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और खूबसूरत में कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस की बेटियों को भी टक्कर देती है, जिनका नाम है आर्याना चौधरी।
आर्याना अब काफी बड़ी हो चुकी है और अपनी माँ महिमा के ही तरह वो बेहद क्यूट और ब्यूटीफुल है। लोगों का कहना है कि आर्याना अपनी माँ की ही कार्बन कॉपी है और दोनों आपस में बेहद ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती है। दोस्तों, किन किन को आर्याना चौधरी बेहद क्यूट लगती हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में और इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस की बेटियों की ओर। सो बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे है ट्विंकल खन्ना। दोस्तों, ट्विंकल खन्ना 90 के दशक की एक फेमस एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी भी है। ट्विंकल खन्ना ने अब तक बॉलीवुड के कई फिल्म जैसे मेला, जान, जोरू का गुलाम, दिल तेरा दीवाना और जोड़ी नंबर 1 जैसे कई फिल्म में काम कर चुकी हैं। वहीं अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी रियल लाइफ में एक ही बेटी है जिनका नाम नितारा है। इस समय नितारा की उम्र 12 साल चल रहा है और अभी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। वहीं अगर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है भाग्यश्री। दोस्तों, सलमान खान के साथ साल 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री अपनी पहली फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और भाग्यश्री रातों रात बड़े फिल्मों स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गई थी। उसके बाद उनको और भी कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, जिनमें से उनके कुछ फिल्मों का नाम है दीवाना, पायल, घर आया मेरा परदेसी, माँ संतोषी माँ और भी कई सारे फिल्में। अगर हम भाग्यश्री की बेटी के बारे में बात करें तो इनकी एक ही बेटी है जिनका नाम अवंतिका दसानी है। इस समय इनकी उम्र 29 साल टच कर गई है और अवंतिका एक सोशल मीडिया स्टार है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वह है मधु। दोस्तों, मधु ने फिल्म फूल और कांटे से अपनी एक्टिंग के करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में मधु के साथ अजय देवगन मैन लीड रोल में नजर आए थे। मधु सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि 100 फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और ये 100 सिनेमा की भी काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा इन्होंने तमिल, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। ये ट्रू फैक्ट है कि मधु जूही चावला की भाभी लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मधु की बुआ है। अगर इनकी बेटी की बात करें तो मधु की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अमिया शाह है तो छोटी बेटी का नाम किया शाह है। अमिया 2024 में 24 साल की हो चुकी हैं तो किया 22 साल की। मधु अपने दोनों ही बेटियों की बहुत क्लोज है। हम आपको बता दें कि 55 साल की मधु की दोनों बेटियां खूबसूरती में अपनी माँ को टक्कर दे देती है। अमिया और किया दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, ये तो आपको इस वीडियो में देखकर ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है काजोल। दोस्तों, काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और इसे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया होगा। काजोल की सबसे पहली मूवी थी बेखुदी, जो कि साल 1992 में आया था और इनकी इस मूवी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। इस मूवी के बाद से काजोल ने और बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों का नाम है कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, करण अर्जुन, प्यार किया तो डरना किया और भी कई सारी जैसे तन्हा जी हाल ही में रिलीज हुई थी। वहीं अगर काजोल के बेटी की बात करें तो इनकी इकलौती बेटी का नाम है निशा देवगन। इस समय इनकी उम्र 21 साल की हो चुकी है और फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। नंबर 1 एक्ट्रेस को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है रवीना टंडन। दोस्तों, रवीना टंडन 90 के दशक की काफ़ी चर्चित अभिनेत्रियों में से एक रही, जिन्होंने पर्दे पर कई फिल्मों में काम किया। अगर इनकी कुछ बेस्ट फिल्म की बात करें तो वो है दिलवाले, दुल्हे राजा, अंदाज अपना अपना, जिद्दी, बारूद, विजेता और भी कई सारी फिल्में। दोस्तों, रवीना टंडन ने साल 2004 में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी से शादी की और इन दोनों कपल्स की मदद से एक क्यूट सी परी आई जिनका नाम राशा ठड़ानी रखा गया। राशा ठड़ानी अभी सिर्फ 19 साल की है और अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रही है। राशा ठड़ानी अपनी माँ के जैसा ही बेहद खूबसूरत है। हम बता दें कि राशा ठड़ानी अपनी माँ की तरह ही एक्टिंग के दुनिया में नहीं बल्कि म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्टेड है। राशा सिंगिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेती हैं और इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी कम्प्लीट कर रही है। तो दोस्तों, यही थी 90 के दशक की
10 सबसे बड़ी और बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों और उनके ब्यूटीफुल डॉटर्स के बारे में। इनमें से आपको सबसे ज्यादा किस एक्ट्रेस की मूवी देखी है और कौन एक्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी एक्ट्रेस की बेटी आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो, ये कमेंट में बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।